सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जी गज्जी कुमार ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज का सीन ऐसा है कि हमारे गांव में रामायण हो रहा था, इसलिए जल्दी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और अभी के बज रहे हैं 10, तो जस्ट अभी स्टार्ट किया हूँ। और देख सकते हो मेरी सिस्टर पपीता खा रही है अभी, और इन लोग भी आए हैं घूमने। देख सकते हो यह छोटी सिस्टर, आप लोग तो जानते ही होगी। हम लोग जाने वाले हैं एक सुंदर सी जगह घूमने, मैं और मेरा दोस्त। तो आप लोगों को दिखाते हैं वो जगह और उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, तो प्लीज़ चैनल में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। और उसको बोलते हैं ढिटोरी का पहाड़ हमारे गांव में। और आप लोगों की भाषा में बोलें तो वो है पहाड़। तो कपड़ा वाला आए हैं हमारे घर में, देख सकते हो आप लोग। तो इससे कपड़ा लूँगा मैं, चड्डा लेने वाला हूँ छोटा सा हाफ वाला, तो चलो लेते हैं। मैं इसको लेने वाला हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। तो गाइस जस्ट अभी उठा हूँ सो के और रेडी होने जा रहा हूँ, तो चलो रेडी होते हैं। और गाइस हम लोग अभी जस्ट निकलने वाले हैं और ये पकड़ चुके हैं पानी, क्योंकि वहाँ पहाड़ चढ़ेंगे तो प्यास भी लगेगा। तो लेते हैं पानी, चलो निकलते हैं अब। और गाइस हम लोग जाने वाले हैं चाचा और मैं। और गाइस अभी दुकान पहुंच चुके हैं, दुकान में कुछ लेते हैं उसके बाद चलेंगे। एक मिक्सचर दे दो, एक लेस दे दो और एक कुरकुरे दे दो। और रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हो कितना खराब है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं पहाड़ में चढ़ना है। अभी उधर से चढ़ेंगे, उधर वो देख रहे हो ना, वहां से यहां से जाएंगे, फिर यहां ऊपर चढ़ेंगे। तो चलो चल चल। और हम लोग अभी तक इसको देखे भी नहीं है, कहां तरफ से चढ़ते हैं उसको कुछ पता ही नहीं। तो हम लोग चढ़ रहे हैं, कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है भाई। पता नहीं यहाँ कुछ जानवर भी हो सकता है। जंगली जानवर होगा पता नहीं, यहाँ से तो आवाज आया। चलो चलो वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। मेरे को तो अभी से डर लग रहा है गाइस, इतना बड़ा पहाड़ है देख सकते हो आप लोग। सुअर, जंगली सुअर, अब पता नहीं क्या चीज है। उधर से तो आवाज आया। आप लोग एक यूनिक सा पेड़ दिखाते हैं, ये है गई भेलवा का पेड़। भेलवा का पेड़ ये है फर, ये है फर उसका, ये देख सकते हो आप लोग। ये है, इसको तोड़ लिए हैं, ये देख सकते हो आप लोग, इसको तोड़े हैं, इसको खाएंगे। ओ गिर गए एक। और यहाँ पास हमारे खाने पीने का सामान, इसको ऊपर चढ़ कर खाने वाले थे, लेकिन अब हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग डर रहे हैं और पता नहीं कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग नहीं जा। और गाइस ये है भेलवा का बोर्रा बोलते हैं इसको हमारे भाषा में। और ये है उसका क्या बोलते हैं इसको, इसको खाते हैं। चलो इसको खाते हैं, इसका टेस्ट एकदम कड़वा कड़वा टाइप का है, इसका स्वाद जो कड़वा टाइप का है। और दिखाते हैं वहाँ पास, और इस प्रकार से पेड़ रहता है, ये देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पास से लगा हुआ है। और गाइस आप लोगों को बता दें कि
मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कछार का। और ये भी देख सकते हो यहाँ पास, ये देखो ये लगा हुआ है, अभी ये सूखा नहीं है। इसको अभी खाएंगे तो और ज़्यादा कस्सा लगेगा, इसलिए अभी इसको नहीं तोड़ रहे हैं, इसको रहने देते हैं, कल आएंगे तो देखेंगे। आप लोगों को यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे जंगली जंगल वाला हाथी और जंगल वाला सुअर और जंगल वाला भालू जैसे अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग डर भी रहे हैं अभी। और यहाँ की बात करें तो आप लोग देख सकते हो क्या एकदम शांत वातावरण है गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना सुनसान जगह है, जंगल है एकदम, ये नेचुरल है। ढिटोरी का पहाड़, भीम सेम का ढिटोरी है ये, आप लोगों को पूरा कहानी ऊपर चल के बताऊंगा। और हम जैसे ही वापस ही होने वाले थे तभी हमारे दोस्त लोगों का कॉल आया और उन लोग बोले कि हम लोग भी आ रहे हैं करके, इसलिए हम लोग रुक गए। हमारे मित्र भी आ चुके हैं तो चलो चलते हैं। और चाचा जी यहाँ पास बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज चैनल में जाके देखें, उस चैनल का नाम है जी गज्जू ब्लॉग। और यहाँ पर हमारे मित्र सगा आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम फिर से दोबारा से जा रहे हैं क्योंकि पहले बार गए थे तो डर गए थे, पता नहीं क्या चीज़ वहाँ पास आवाज़ किया था, इसलिए तो चलो हम लोग निकलते हैं। इस बार से तो नहीं डरेंगे गाइस, चढ़ के रहेंगे, इस बार चढ़ के रहेंगे। रास्ता को भी नहीं देखे हैं तो यहीं से तो जा रहे थे, और मैं पहले पहले हूँ, पता नहीं कुछ भी हो सकता है यहाँ। बंदरा भालू जो भी, बंदर भालू, इन लोग अभी मस्त अपने हंसने में हैं, यहीं से तो जाते होंगे यार। चलो चलो आप लोग एक जने सामने चलो, मैं उसके पीछे पीछे मैं चलूँगा गाइस, मैं बीच में रहूँगा, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। यहीं से जाएंगे, यहीं से, यहाँ पास अच्छू ही जो लिपाई पुताई करते हैं उसको यहीं से लेके जाते हैं। और यहीं पास था, क्या चीज़ है पता नहीं, यहीं पास था जो आवाज़ किया था। और बहुत दूर चढ़ना है अभी हमें, अभी तो अभी आधा का आधा नहीं चढ़े हैं और मेरा सांस भी फूल रहा है। और रास्ता की बात करें तो आप लोग देख ही सकते हो इस तरह से रास्ता है, हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं है और हम चढ़े जा रहे हैं। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती, इस तरह से हम लोग चढ़ रहे हैं, लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती, इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग चढ़ रहे हैं गाइस। ये आपको पता होगा कि नहीं होगा, इसको रस्सी बनाते हैं और इसी से घेराव करते हैं, इसको इसको काट के रस्सी बनाएंगे, उसके बाद इसी से घेराव करेंगे। अब ये रहा बांस का पेड़ मेरे सामने, गाइस थोड़ा बैठ लेता हूँ। अरे वेट करो यार, पूरा हालत खराब हो गया इतने में चढ़ते चढ़ते। और आप लोगों को मेरा कैमरा हिलता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा महंगा मोबाइल नहीं है ना, इसीलिए है।
और हमारे पास ड्रोन भी नहीं है तो आप लोगों को अच्छा से नहीं दिखा सकते। ये देखो कैमरा का जो वायर है यहाँ फंस गया, माइक का, सॉरी माइक का। और गाइस रास्ते को देख सकते हो इस प्रकार से चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, उन लोग तो गए। ये देखो गाइस यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, यहीं से और देख सकते हो गाइस और ऊपर से भी कितना अच्छा है। वहां पास आपको गांव दिख रहा होगा, तो अभी इसमें चढ़ना है, देख सकते हो एकदम सीधा रास्ता है और उन लोग अभी चढ़ चुके हैं आधा में, तो चलो मैं भी जल्दी से चढ़ता हूँ। और गाइस आगे का वीडियो दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, लव यू एंड प्लीज सब्सक्राइब मी माय चैनल। और गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं, और गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा ढिटोड़ी पहाड़ में।